स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस हल किए थे नंबर्स एंड नंबर सिस्टम में। उसके पहले एससीएफ में भी हमने और एलसीएम में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था और प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उनमें से जो क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं जो पिछले साल आए हुए हैं एग्जाम्स में उन सारे क्वेश्चंस पे अभी हमको चर्चा करना बाकी है। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस पे अभी हम चर्चा करेंगे और देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीकों से। इन सारे विषयों पे चर्चा की जाएगी जिससे क्वेश्चंस को आसान बनाया जा सके लगाने के लिए। और चूंकि इन सारे क्वेश्चंस को हल करने के पीछे एक और वजह है कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, जो कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैथ्स सही से नहीं लग पाएगी, मैथ्स में हमारी वीकनेस है। चूंकि मैथ्स थोड़ा सा टफ होती भी है लोगों के दृष्टिकोण में, तो इन सारे क्वेश्चंस को हल करने में, चूंकि ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, तो जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी सहायक होगी क्योंकि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे पुलिस के हुए, आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हुए, आपके एमटीएस के भी हुए, जेडी के भी पेपर हुए, प्लस क्या नाम है टेट सीटेट में भी, सुपर टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए नंबर सिस्टम से। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर जाएंगे तो धीरे धीरे सरल से कठिन की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए बड़ा अच्छी हो जाएंगी और आप उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो गणित की बारीकियाँ होती हैं। उन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करते हैं वीडियोज़ में और उनको कोशिश करते हैं कि आसान तरीके से लगाया जा सके ताकि आप जो भविष्य में कठिन क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने आए तो उन क्वेश्चंस के लूप होल को आप समझ सकें जिससे आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई न मिले। तो उन सारे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस फिर बनाए हुए हैं जो आए हुए हैं पिछले साल। उन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस तरह से इनको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। बच्चे, एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर में कि सरल करने पर प्राप्त होता है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ पे चूंकि जो इक्वेशन दिया हुआ है बोडमॉस रूल पे दिया हुआ है तो उन बोडमॉस रूल को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। अगर बोडमॉस रूल नहीं फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम तो सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हम देखे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए, चूंकि जैसे जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन लगाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि आपको जितना जितना बार प्रैक्टिस करते जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि अरे तो हम तो लगाए हुए हैं, कई बार इस टाइप को लगाए हुए हैं, चलिए लगा देते हैं। घबराने की आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोसेस आपके दिमाग में बार बार चीजों के लिए आ जाएगा कि हाँ, हम प्रोसेस इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम गए हैं तो यहाँ इस तरह प्रोसेस को फॉलो किए हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आया है, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बस उस चीज का एक ही ध्यान रखना है कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो देखते हैं बच्चे, चूंकि अब यहाँ पे दिया हुआ है 15 सही 1/2, तो इसको क्या करेंगे हम साधारण भिन्न में तोड़ लेते हैं तो 15 × 2 = 30 1 = 31/2 हो जाएगा, माइनस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं तो 12/5 और 5/8 दिया हुआ है तो 5 से 5/5 बच्चे यूं ही कट जाएगा, 4 × 8 4 × 3 = 12 ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिला, 3/2। अब यहाँ पे धन, अब कोष्ठक के अंदर की चीजों को हम पहले तोड़ लेते हैं, कोष्टक के अंदर की चीजों को अगर तोड़ लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा कोष्टक में, 7। अब चूंकि भाग का चिन्ह बना हुआ है तो भाग का चिन्ह बनना है तो इसको हम गुणे के चिन्ह में परिवर्तित करते हैं। तो गुणे के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे तो हमने बताया था कि जैसे ही भाग को हम गुणे के चिन्ह में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × 1 = 4 × 3 = 7/4 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 7/4 आएगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जब हम उलट देंगे, गुणे के चिन्ह में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुड़े 2 दिया हुआ है बाहर, अब यहां से इसको देखिए काट जाएगा, कट जाएगा ना, 7 × 1 = 7 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास क्या रिजल्ट बच रहा है, 31/2 माइनस, अब यहाँ पे हम 3/2 लिख लेते हैं और देखते हैं इसको क्या आएगा, 4 × 1 = 4 ये तो बच्चे 4 हो ही जाएगा।
अब यहाँ के अब छोटा कोष्टक टूट गया, बड़े कोष्टक में आए, अब गुणे दो बचा ही हुआ है, तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, 31/2 हमने लिख दिया माइनस, अब इसके अंदर की चीजों को तोड़ लेते हैं, तो 4 × 2 = 8, 3 = 11, 11/2 हो गया कि नहीं। अब चूंकि इसका बटा एक होता है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके बाद जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 = 11, 11/2। अब चूंकि यहाँ पे गुणे 2 है दिया हुआ है, अब यहां से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 31/2 माइनस, अब बचे दिया हुआ 11/2 तो है ही, अब कोष्ठक हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा ना, कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 31/2 माइनस 11, यही चीज बचा। अब क्या करेंगे, इसका बटा एक होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या अंश में दी हुई है, उसका कोई बटा नहीं दिया हुआ है, उसका हर नहीं दिया हो, तो उसका हर को हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, क्योंकि एक से 11 में भाग देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा 11 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 11 = 22 हो जाएगा, तो 31 − 22/2, तो 31 में से 22 जाएगा बच्चे, क्या आएगा, 9/2, यही चीज पूछा हुआ है, क्या पूछा है, 9/2, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमको रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है, लेकिन जैसे ही अगर प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा। तो बच्चे इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 2.75 − 1.25 × 4.75 − 3.80 भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, एक दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.75 को गुणे 100/100 लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव दिया हुआ है, 2.75, दो अंक पे दशमलव है, तो दो अंक के दशमलव को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया। अगर एक अंक पे दशमलव होता तो हम क्या करते, 10 से गुणा करते, 3 अंक पे दशमलव होता तो क्या करते, 1000 से गुणा करते, तो चूंकि यहाँ पे दो अंक पे दशमलव दिया हुआ है, तो बच्चे हमने 200 से गुणा कर दिया, 2 शून्य लगा दिया यहाँ पे, तो 2 शून्य का मतलब यहाँ पे 100 होता है, तो 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग दिया, तो भाई जितना दिया उतना ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये पूर्णांक बन जाएगा, टोटल 275 हो जाएगा, दशमलव में ये नहीं रहेगा। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न के रूप में सरल करना है, तो इसको भिन्न के रूप में बनाने के लिए हमको हर कंडीशन में ये चीज लानी ही पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, 1.25 गुणे, यहाँ पे भी दो अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस, सॉरी यहाँ पे धन का निशान है, तो 4.75, यहाँ पे भी दो अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे भी 100 का गुणा कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, फिर क्या है, माइनस 3.80 गुणे, यहाँ पे भी 100 का गुणा कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, हमने सारी चीजों को कर लिया। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमने एक इक्वेशन बना लिया, जिस तरह से क्वेश्चन कहा है कि भिन्न के रूप में बनाना है, तो सारी चीजें अब हमारी भिन्न के रूप में मिल जाएंगी। तो बच्चे यहाँ पे अगर गुणा हो जाएगा, 2.75 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो ये दशमलव क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 275/100 माइनस 125/100 धन 475/100 माइनस 380/100। अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए वही दी हुई है, अगर 2.75 लग जाए, भाग दे दिया जाए 100 से, तो 2.75 इससे भाग दे दिया जाए, तो 1.25 इसमें भाग दिया जाए, तो ये चीजें, और उससे दे दिया है तो ये चीज, सारी चीज देखिए वही चीज है, लेकिन क्या है, इसको हमने क्या किया, भिन्न के रूप में बना लिया, और उसने भिन्न के रूप में पूछा भी है, तब यहां से चीजें क्या हो जाएंगी। अब इनका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो बच्चे क्या प्राप्त होगा हमें, 100 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, अगर हम देखें
तो यह फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जोड़ और घटाना दोनों दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो 100 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 275। भाई फ्रैक्शन का नियम यही है ना कि यहाँ 100 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। हर वाले से क्या करेंगे, एलसीएम में भाग देंगे और जो आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एक आएगा, सबका भाग देने पे एक आएगा और सबका एक से गुणा होगा अंश में। तो मतलब क्या हुआ, सारी संख्याएं जो दी हुई हैं वह ज्यों का त्यों उतर जाएंगी। यहाँ देखिए 275 माइनस 125 धन 475 माइनस 380। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। चूंकि 275 में से 125 चला जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 150 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं। अब 475 में से 180 चला, 380 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 95। यही बचा ना, और बटे हमारा 100 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब ये हमारा हो जाएगा 245/100। यह चीज आ गई हमारे पास। अब भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 × 200 ये हो जाएगा, और 45 शेष बचा तो 45/100 हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 5 से कट जाएगा, यह फ्रैक्शन हमारा 5 से कट जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 45 और 5 × 20 = 100। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2 सही 9/20। ये हमारे पास रिजल्ट आता है 2 सही 9/20। और देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 सही 9/20। ठीक, यहां से चीजें हमारी क्लियर हो गई। बस इस चीज को ध्यान देना है कि किस तरह से यहां पे हम इसको आसान तरीके से बना सकते हैं बच्चे। अगर इस चीज को आप फॉलो करते चलेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होता जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ 150% बराबर है, 150% बराबर है, तो 150 को क्या आप 150 तो लिख सकते हैं 150। अब 150 का चूंकि परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 अपने आप में। प्रतिशत का मतलब क्या, प्रति 100। ठीक, एक में कितना 100 है, वही चीजें हुई ना, प्रति प्रतिशत मतलब वही चीजें हैं। तो चूंकि यहां पे क्या है, अब यहां पे चीजें देखते हैं कि 150 में 150% बराबर 150% बराबर है, तो 150% तो का इसका मतलब क्या हुआ, 1/100। यही ना हुआ, यही ना हुआ कि इसका प्रतिशत बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 25 × 150, 25 × 100 ये हो जाएगा 2 3 6, 2 × 2 = 4, यानी 3/2। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.5, यही चीज आएगा ना, 1.5। ठीक, प्रतिशत की चीजों को हमेशा ध्यान देना। जब भी प्रतिशत की चीजें पूछता है कि कितना प्रतिशत है किसी चीज का, मान लीजिए 10% पूछ दिया कि 10% का मतलब क्या हुआ, भाई प्रतिशत का हमने बताया कि प्रतिशत मतलब 100 में कितना है, 100 में कितना है। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि अब 100 में ये कितना है, तो 10 100 में कितना है पता चलेगा यहां पे ना, यानी 1/10। यही चीज ना आई, 10 100 में कितना है, 1/10। 20 पूछ दिया क्या, 20% कितना होता है, तो 20% अगर पूछ देता है बच्चे तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं ना, यानी ये हो जाएगा 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20% है। 1/10 की वैल्यू कितनी है, 10% है। ठीक, और फिर उसी तरह अगर पूछ देता है कि यहाँ पे चीजों को देखते हैं, अगर पूछ देता है 40%, 40% अगर पूछ रहा है तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100, ये हो जाएगा कितना, 20 × 40, 20 × 5 = 100, यानी 2/5 की जो वैल्यू है वह कितना है, 40% है। अगर आपसे पूछ देता है बाई चांस कि 2/5 की वैल्यू कितना परसेंट, को परसेंटेज में बदल दिए, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे,
ये हो जाएगा आपका 40%। वही चीज देखिए दिया हुआ है, 40% आया है ना, 2/5 की वैल्यू, और 2/5 की वैल्यू 40% आया, 40% की वैल्यू देखिए 2/5 आई हुई है। तो यहां से चीजें क्या, जब परसेंटेज थोड़ा पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में चीजों को हम बताएंगे। तो यहां पे क्या 1.5 आ ही गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, दिया हुआ है कि 5045 ग्राम बराबर है। चूंकि बच्चे दिया हुआ है कि 5045 ग्राम, इसको ग्राम में दिया हुआ है चीजें, ठीक, ग्राम में दिया हुआ है। और हम नापते किससे हैं, चीजों को किलोग्राम में नापते हैं। तो बच्चा दिया होता है 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के होता है। तो अब दिया है कि 5045 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 5045 ग्राम में क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, यह जाएगा कितना हमारा, 5 बार जाएगा। यह भाई 1000 × 5 करेंगे तो 5000 हो जाएगा। चूंकि ये 45 ग्राम आपका ज्यादा है, तो 45 ग्राम ज्यादा है, तो चूंकि 5 किलोग्राम तो यूं ही आ गया, हमारी चीजें क्लियर लूप में हमको मिल गई कि नहीं, 5 किलोग्राम डायरेक्टली मिल गई। और जो शेष बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, मात्र 45 ग्राम। तो अब यहाँ पे क्या चीजें हो जाएंगी, 45 ग्राम। बस इतना सवाल पूछा हुआ है, इतना बड़ा, कि इसका वैल्यू क्या है। तो हमको बस इतना जानना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, और एक, अब यहां से 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000। यही चीजें ना होंगी। तो अब यहां पे दिया हो 5045 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 5 किलो 45 ग्राम चीजें आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग मिलाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। बच्चे दिया हुआ है कि 3 अंक दिया हुआ है आपके पास, उसने क्या किया, क्वेश्चन में 3 अंक दे दिया, 5 और 1, 6। 5 दिया है, 1 दिया है और 6 दिया है, 3 नंबर अंक दे दिया अंक आपके पास। और कह रहा है कि 2 अंकों को दो बार प्रयोग में ला सकते हैं, इनमें से 2 अंक आप 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे 5 को 2 बार प्रयोग में लाइए, चाहे 1 को 2 बार प्रयोग में लाइए, चाहे 6 को 2 बार प्रयोग में लाइए, 2 बार से अधिक प्रयोग में नहीं लाना है। उसके बाद कह रहा है कि बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चे छोटी से छोटी संख्या हमेशा इन तीनों नंबर में देखा जाए तो किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद 5 आएगी, फिर उसके बाद 6 आएगी, यही चीज आएगी कि नहीं। अब दिया हुआ कि ये हमने 3 नंबर बनाया अभी तक, छोटा नंबर बनाने के लिए उसने कहा 5 अंकीय, और उसमें कह रहा है कि 1 अंक को वह 2 बार लिख सकता है। तो अगर हम यहां पे 5 लिख देंगे, यहां पे 5 लिख देंगे और यहां पे 6 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15,566, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या, 1 नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 1, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी अंक और भी छोटा हो सकता है। देखिए जैसे अब यहां पे अगर हम 1, 1, 2 बार लिखते हैं तो इससे बनने वाली संख्या क्या होगी, इससे छोटी हो जाएगी, क्योंकि यह 15 से स्टार्ट है, यह 11 से स्टार्ट है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 बार 1 लिख दिए, 2 बार हमने 5 लिख दिया और 1 बार हमने 6 लिख दिया, हमारे पास नंबर क्या आ गया, 11,556। हमारे पास क्या आ गया, 11,556। अब इससे छोटी संख्या हमारी नहीं बन सकती। अगर 6 को हम दोबारा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, या यहाँ 6 रखेंगे तो और संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इससे छोटी संख्या इन 3 अंकों को अगर मिलाकर बनाते हैं तो इससे छोटी अंक संख्या हमारे पास नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या मिली, 11,556, 11,556 ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया है कि संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्त्य HCF 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अब दो संख्याएं दी हुई, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है कि दो संख्याएं मान लेते हैं A और B दिया हुआ है, तो उनका गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? LCM और HCF के बराबर होता है बच्चे, ये हमने बताया था। ये A और B क्या है? दोनों संख्याएं हैं, तो इसको हमने बताया था। तो पूछा है कि इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। एक दो नंबर ये दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, और इनका HCF भी दिया हुआ है, यही नंबर पूछ रहा है बच्चे, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 × 28 बराबर LCM पूछ रहा है, तो LCM यहाँ पे हम लिख दिए, और गुड़े क्या दिया हुआ है, 14 इसका HCF दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है ना, और इसका LCM पूछ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए 14 दिया हो, यहाँ पे 14 दिया, तो इस 14 से 14 कट गया, तो LCM बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा टोटल 28। इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा हमारा, 28 आएगा, यही चीज पूछा हुआ है ना। देखिए LCM क्या आएगा इसका, 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि चार अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो। अब बच्चे दिया है कि 2, 3, 8 एवं 10 से पूर्णतया विभाजित होने वाली चार अंकीय संख्याएं, तो अब सबसे पहले क्या है कि वो अंक जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, इनसे भाग दे लेंगे, एक तरीका ये बनता है। और दूसरा तरीका ये बनता है कि इनका हम LCM निकाल लेते हैं, और जो LCM प्राप्त होगा वह क्या करेगा, इन संख्याओं को विभाजित कर देगा, क्योंकि जो भी संख्याएं बनेंगी वह क्या होंगी, इसके मल्टीपल में होंगी, LCM के उसके मल्टीपल में होंगी, होंगी ना। तो 2, 3, 8 और 10 का LCM हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, निकालेंगे तो 120 आ जाएगा इसका LCM। इसका LCM कितना आएगा, 2, 3, 8 और 10 का LCM कितना आएगा, 120। सब निकाल नहीं रहे इसलिए क्योंकि हम कई बार LCM निकाल के आप लोगों को दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे चीजों को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे 2, 3, 8 एवं 10 का LCM क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अब चूंकि 120 क्या है, वह तीन अंक की संख्या है, या तीन अंक की संख्या है, और क्वेश्चन कह रहा है चार अंकीय, कह रहा है चार अंकीय वो संख्या होनी चाहिए, यह कह रहा है, और वो भी छोटी से छोटी संख्या, चार अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, मैक्सिमम हम नहीं ले जा सकते हैं, छोटी सी छोटी संख्या, जो सबसे ज्यादा जैसे ही चार अंक शुरू होता है, तो चार अंक बच्चे शुरू होता है हमारा 1000 से, इससे छोटी संख्या तो चार अंक की कोई होती नहीं है, सबसे छोटी संख्या है चार अंक की हमारी क्या है, 1000 है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, 1000 चार अंक की छोटी संख्या, अब तीन अंक की हमारी संख्या मिल रही है 120, तो इसी का मल्टीपल क्या होगा, इसी का मल्टीपल हमारा जो संख्या आएगी चार अंक की है, वह क्या करेगी, इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम इसका गुणज कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 बार जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाता है। तो चूंकि अब ये 1200 अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 1200 दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, और उसके नीचे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 12 × 9 = 108, अगर 120 का अगर 9 बार गुणा करते हैं तो 1080 आता है। और यहाँ पे देखते हैं कि 1080 जो है वह क्या करेगा, 2, 3, 8 एवं 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम तो यहाँ पे चीजों को जानते हैं इसलिए कर लिए, अगर जो नहीं जानता है इस चीज को, डायरेक्टली प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्या करेगा, 120 है आपका LCM प्राप्त हो गया बच्चे, तो आप क्या करिएगा, 120 का आप गुणा करते जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, जैसे जैसे गुणा करते जाएंगे आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, वो नंबर्स अगर चार अंक में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं वही नंबर क्या होगा, वह छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी। तो छोटी सी छोटी संख्या हमारी क्या मिल गई, 1080। 1080 से नीचे कोई संख्या हमारी नहीं हो सकती जो 2, 3, 8 एवं 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याएं दी हुई हैं, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो कह रहा है कि दूसरी की तिगुनी है, एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ है, दूसरी संख्या 3x होगी, यही ना होगी भाई, यह इसके तिगुनी है कि नहीं है भाई, 3 का गुणा कर दिया गया, तिगुनी हो गई। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल, तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुणे 3x बराबर क्या दिया हुआ है, 18.75 के दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 18.75। हमने बताया था कि x का x में गुणा होगा जब, तो क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर 3 बार गुणा होता तो क्यूब हो जाता, ठीक, 3 बार होता तो क्या होता, क्यूब हो जाता। तो इसकी घात पे जुड़ती रहती है, जितनी अगर गुणा करते जाएंगे वो घात पे जुड़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे यहां से भाग देकर देख लीजिए, 3 से कट जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 3×6=18.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 7.5 का मतलब 3×2=6, 3×5=15। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6.25 आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, ये 6.25 हो जाएगा, ठीक। और हमने क्या बताया था कि अब इसका अगर हम निकालते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं 6.25 का, तो बच्चे आएगा 2.5×2.5, ठीक। हमने बताया था कि इसको हटाने के लिए, पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, दो समान अंक का गुणनफल होना चाहिए। तो उसमें देखिए, दो समान अंक का गुणनफल दिया हुआ है, तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो एक संख्या बाहर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक। ये हमारी आ गई छोटी संख्या जो दिया हुआ है। अब पूछा है क्या, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बच्चे दिया हुआ है 3x दिया हुआ है ना बड़ी संख्या, तो 3×2.5 ये बराबर कितना हो जाएगा, आपका 5×3=15, 2×3=6=17, 7.5। बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी, 7.5। अब चूंकि यहां पे बच्चे हमने बताया था कि इसको क्या करना है, इसको अब इसे और भी इसको छोटा कर सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं, समय अभाव की वजह से इन चीजों को कर रहे हैं, बाकी 6.25 का अगर हम चीजों को गुणा करते जाएंगे तो इसका कई सारी गुणनखंड अभी और बन सकते हैं, जिसको अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। जब कभी इसको ये चीजें स्क्वायर रूट का चीजों को हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, तो उसमें हम आपको बता देंगे चीजों को कि किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो फिलहाल अभी जानने के लिए कि यहाँ पे 2.5×2.5, चूंकि इनका गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू क्या आएगी, 6.25 आएगी, ठीक। चूंकि यहाँ पे क्या है, 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं बच्चे, 25 का दो बार गुणा करते हैं, 25×25 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 625 मिलता है। तो चूंकि दो अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2.5×2.5 कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव क्यों हम लगा रहे हैं, चूंकि दशमलव का दशमलव में गुणा होता है, तो दशमलव का दशमलव में जब गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, दो बार दशमलव हो जाएगा, जितनी बार गुणा होगा दशमलव ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो एक बार यहाँ पे गुणा हो, एक दशमलव यहाँ पे है, एक दशमलव यहाँ पे है, तो 2 दशमलव हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.25, दो अंक पे दशमलव लग गया है, वही चीज यहाँ पे हमने बताई है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि 3×0.3×0.03×0×30। बच्चे यहाँ पे देखिए, एक सवाल दिया हुआ है जिसको गुणा करने के लिए कह रहा है, दशमलव का गुणा है प्लस कुछ संख्याएं पूर्ण रूप में है। तो अब एक और चीज है कि यहाँ पे एक शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्य। तो हम जानते हैं कि शून्य का गुणा किसी भी संख्या में अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त होता है, शून्य सबको समाहित कर लेता है अपने अंदर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर शून्य यहाँ पे नहीं दिया रहता, मान लीजिए कोई नंबर 1 दिया रहता, तो इसका क्या करते, चूंकि यहाँ पे देखिए जितने अंक पे दशमलव दिया है, सारे अंक के दशमलव को आपस में जोड़ लेंगे,
चूंकि दो अंक पे दशमलव दिया है, यहाँ एक अंक पे दिया है, तो दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा, दो और एक तीन अंक पे हो जाएगा। तो जो भी हमको रिजल्ट आता वहां पे क्या करते, तीन अंक पे दशमलव हम पीछे से लगा देते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि 23,200 में भाग दिया है 145 का, जो आया है रिजल्ट 160, तो 23.2 भागे 1.45 बराबर है, इसका रिजल्ट पूछ रहा है बच्चे। तो अब चूंकि यहाँ पे तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, अब पूछ रहा है यहाँ पे क्या करने, तो करने पे रिजल्ट क्या आएगा, 23.2 यहाँ पे भाग का अगर हम करेंगे बच्चे तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर गुणा का में परिवर्तित करेंगे तो ये बदल जाएगा कि नहीं, 1.45 हो जाएगा। ये ना चीज दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना कि इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसमें भाग देना है, तो अगर गुणे के रूप में बदलते हैं तो 1/4.5 हो जाएगा यहाँ पे चीजें। तो अब यहाँ पे इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको आसान करते हैं तो क्या करेंगे, 23.2 गुणे, अब एक अंक पे दशमलव तो बच्चे 10 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग दे देते हैं, वैसे यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, तो 14.5 हो जाएगा बच्चा। ठीक, तो लेकिन अब यहाँ पे उस तरह से चीजों को नहीं करके हम इसको आसान तरीके से और करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1.45 है ना, 1.45 है, तो 1.45 में क्या करेंगे, यहाँ पे दो अंक पे दशमलव है तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे चूंकि इसका बटा हो गया तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली हम ऊपर लिख देते हैं, इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे गुणे 100। अब यहां से हमको मिल गई चीजें, अब यहां से हमारा दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.2 मतलब 232, ये 10 से गुणा हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, बटा 10 गुणे, ये हो जाएगा बच्चे ऊपर 100 हो जाएगा, और यहाँ का दशमलव हट जाएगा, दो अंक पे दशमलव है तो 100 इसको रिप्लेस कर देगा, तो हो जाएगा हमारा 145। तो 10 से देखिए बच्चा ये कुछ कट गया, कट गया कि नहीं, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, अब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बच्चे कि 232 और 10 यहाँ पे है तो 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2320/145 आ गया हमारे पास, ये चीज आ गया। अब एक और चीज दिया हुआ है कि 23,200 दिया हुआ है, तो मैं 145 से भाग देते हैं तो 160 आता है, तो 2320 है, यहाँ पे 10 की कमी है, जबकि नंबर क्या दिया हुआ है, सेम नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 10 अगर ये नहीं दिया रहता बच्चे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 16 आता कि नहीं, हमारा रिजल्ट क्या आता है, 16 आता, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 नहीं दिया है तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 दिया रहता तो रिजल्ट हमारा कितना आता, 160 आता, क्योंकि सेम नंबर चीजें हो जाती। अब यहाँ पे 10 नहीं दिया है तो हमने क्या किया, 10 यहाँ पे कम कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक, अब चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पे पूछा है कि 84% बराबर है बच्चा, अब हम सेम क्वेश्चन फिर आ गया उसी टाइप का, तो 84% को हम क्या लिख सकते हैं, 84/100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 में कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या है, 84 को हम काट देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 42 हो जाएगा ना, 42 और ये हो जाएगा बटे 50। ठीक, और छोटा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 21/25, हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज आ गई हमारे, बस इतना रिजल्ट पूछ रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/25 आ जाएगी। ऑप्शन देखते हैं, 21/25 नहीं दिया है बच्चे, 42/50 दिया है, तो हमको कहाँ तक सॉल्व करना था, मात्र यहाँ तक सॉल्व करना था, यहाँ तक बस इतना ही करना था, 42/50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दिया है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज a है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या a क्या है,
तो बच्चे दिया है कि 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए मान लिया है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ अगर गुणज हम देख लेते हैं तो क्या हो सकता है, मान लेते हैं निकालते हैं इनका गुणज, तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। हम गुणनखंड आगे करते जा सकते हैं। उसने कहा कि एक उभयनिष्ठ, तो 7 का भी हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड देख, 7 का हम गुणनखंड करते हैं तो गुणज करते हैं, सॉरी गुणज करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणज हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमको मिल गया कि नहीं, 63 इसमें भी मिल गया, 63 इसमें भी मिल गया। उभयनिष्ठ गुणज हमारा क्या आ गया, 9 और 7 का अगर उभयनिष्ठ गुणज हम देखते हैं तो 63 आता है, इसके माध्यम से हमने लगाया, ठीक। लेकिन अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जाए, गुणज की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 और 7 का हम क्या करते हैं, एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे, तो 9 और 7 का एलसीएम जब भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा डायरेक्टली। ये चीज करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या एक प्रोसेस बताया है कि इस माध्यम से भी चीजों को हम लगा सकते हैं, और 9 और 7 का 63 आ जाएगा गुणज जो हमें प्राप्त हुआ है, यहां से भी निकल गया और एलसीएम माध्यम से निकालते हैं तो 9 7 63 बच्चे आ गया। कह रहा है कि यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो बच्चे 1200 और 30 के बीच में है, तो 1200 और 1300 के बीच में है, तो 63 का हम क्या करेंगे, अगर 10 गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 630 आता है। 63 का हमें 630, अगर 63 का हम 20 गुना करते हैं तो बच्चे क्या आ जाएगा, 63 20 में कितना हुआ, 1260, यही ना हुआ, 63 20 में क्या हुआ, 1260। और जैसे ही अगर हम 31 करेंगे तो ये 1300 क्रॉस कर जाएगा, ये संख्या हमारी क्या है, 1200 और 1300 के बीच में है, एकदम बीच में है। अगर 11 इसका 19 बार करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1197, हमको लग रहा है कि 1197 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर 20 का गुणा कर रहे हैं तो 1260 आ रही है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 1200 और 1300 के बीच में है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी 1260। बस यही चीज करनी है एग्जाम में, आपको बस इतना समझना है कि 9 और 7 का एलसीएम ले लेंगे और उसका मल्टीपल करते जाएंगे, 10 टाइम करें, 20 टाइम करें, 30 टाइम करें, जितना जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका मल्टीपल करते जाएंगे, ठीक। तो हमें रिजल्ट जो भी मिलेगा उसको हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया है कि श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है। बच्चे यहां पे एक श्रेणी दी हुई है 9, 13, 17, 21, 25, .. वह पूछ रहा है कि अगली संख्या नेक्स्ट नंबर उसका क्या होगा। तो 9 और 13 के बीच में यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं बच्चे, क्या है, 4 का है, 9 4 13, 13 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, 17 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, 21 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 4 का, तो यानी 25 4 29, अगला नंबर हमारा क्या होगा, 29 होगा, यही सवाल पूछा है, ठीक। इस पे कई टाइप के सवाल बन सकते हैं, कभी रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और इस पे बनाए जा सकते हैं इस टाइप के, चूंकि ये श्रेणी का सवाल है, सामान्य सा सवाल था, बस इसमें सामान्य से लगाने का समझ लगाने की जरूरत थी, बाकी कठिन सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से किस संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, ठीक। अब पूछ रहा है कि 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तथा 100 के बीच में टोटल एक संख्या, एक ही अभाज्य संख्या है। जैसे 40 और 50 में कुछ अभाज्य संख्याएं होंगी, 60 और 70 में कुछ अभाज्य संख्याएं होंगी,
80 तथा 90 में अभाज्य संख्या कुछ होंगी, 90 तथा 100 में अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याओं को तो हमने बताया था, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी कंडीशन क्या होगी, वे स्वयं एक अपने आप से कटेंगे या एक से कटेंगे, उनकी कंडीशन नहीं होती है। एक ही चीज की कंडीशन होती है कि वे अपने आप से कटेंगे या एक से कटेंगे। तो बच्चे हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 है। अब देखा रहा है कि 1 से 100 के बीच में, अगर 100 100 के बीच में अगर हम देखें तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं हमारे, 25 हैं। अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। अब काउंट करेंगे लगाएंगे तो देखेंगे, चलिए फिलहाल हम लगा देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, चूंकि एक सम संख्या है ना, 2 क्या है, सम संख्या है, और चूंकि यह अभाज्य संख्या भी है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 43, बच्चे 47, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 53, फिर 67, ठीक, फिर हो जाएगा आपका 71, 73, 79, 82, 89 और 97। टोटल संख्याओं को गिन लीजिए, ये सारे जो नंबर्स हैं वह 1 से लेकर 100 के बीच के हैं और यह टोटल 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य नंबर हैं। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 25 नंबर हैं जो अभाज्य नंबर हैं 1 से 100 के बीच में। उसके आगे भी और सारे नंबर हैं, वो तो होंगे ही, बढ़ते जाएंगे, ना जाने कितने होंगे, लेकिन यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि ये कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर के बीच में कौन अभाज्य नंबर है, एक अभाज्य नंबर निकालना है। तो चूंकि 90 तथा 100 के बीच में, बच्चे देखिए 90 तथा 100 के बीच में एक ही अभाज्य नंबर है, 197 नंबर है। जो 97 अंक है, संख्या जो है वह क्या है, 90 तथा 100 के बीच में है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 90 तथा 100 के बीच में मात्र एक अभाज्य नंबर है। और पूछ रहा है 40 और 50 के बीच में देखा जाए तो 40 और 50 के बीच में 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 3 नंबर हो गए, तो यह तो ऐसे ही भी नहीं है, ठीक। 60 और 70 के बीच में देखा जाए तो 60 और 70 के बीच में 61 हुआ, 67 हुआ, 2 नंबर है, तो ये भी नहीं हुआ। 80 तथा 90 के बीच में, 80 तथा 90 के बीच में 82 तथा 89 है, ये भी नहीं हुआ। 90 तथा 100 के बीच में मात्र एक नंबर है, 97। 97 जो नंबर है वह क्या है, हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और उन सारे क्वेश्चंस पे चर्चा किया जाएगा और उनको हल किया जाएगा, देखा जाएगा कि उनको किस तरह से और आसान बनाया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।